दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होते ही जहां भारतीय जनता पार्टी में गम पसरा पड़ा है, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी जश्न मना रहे हैं। इसी चुनाव में चर्चित सीटों में से एक मॉडल टाउन विधानसभा की सीट पर लोगों की खास नज़र थी। आपके खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने वाले भाजपा उम्मीदवार कपिल मिश्रा को यहाँ से बड़ी हार मिली है। आइए आपको बताते हैं कि कपिल मिश्रा को हराने वाले आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी के बारे में। मंगलवार को चुनाव के नतीजों की खुशी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में भी देखी गई। इसकी वजह थी दिल्ली की मॉडल टाउन सीट पर आप उम्मीदवार अखिलेश पति त्रिपाठी की बड़ी जीत। दरअसल अखिलेश पति त्रिपाठी संत कबीर नगर जिले में मेहंदावल के निवासी है। बेटे के विधायक जीते ही परिवार सहित पूरे जिले के लोग खुशी से झूम उठे। अखिलेश पति त्रिपाठी दिल्ली में IAS की तैयारी के लिए आए थे और यहीं के होके रह गए। अखिलेश त्रिपाठी ने साल 1998 में अपनी हाई स्कूल की परीक्षा पास की और साल 2000 में उन्होंने DAV इंटर कॉलेज से पहली श्रेणी में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इसके बाद अखिलेश इलाहाबाद चले गए और साल 2003 में उन्होंने स्नातक व 2005 में इतिहास विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इलाहाबाद में रहकर उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी और 2007 में IAS का सपना लिए दिल्ली आ गए। दिल्ली में रहते हुए अखिलेश पति त्रिपाठी पढ़ाई की और बाद में अन्ना हजारे के आंदोलन से प्रभावित होकर उनके साथ आंदोलन में जुड़ गए। इसी दौरान वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े और बाद में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। आपने अखिलेश को पहली बार दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा से टिकट दिया जहां से उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की। अखिलेश पति त्रिपाठी ने इसी सीट से 2020 के चुनाव में जीत की हैट्रिक भी लगाई है। वो सबसे पहले साल 2013, फिर 2015 और अब 2020 के विधानसभा में विधायक बने हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।